हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग ट्रेडर। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें प्रॉपर एंट्री एक्सिट टारगेट स्टॉप लॉस रिवर्स पॉइंट करेक्टली पता चलेगा। जो मार्केट बीच में रिवर्स जा रही हो तो करेक्ट ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है, कितना पुल बैक आया है, कहाँ से हमको दोबारा एंट्री लेना चाहिए, सब कुछ लाइव मार्केट में यानी कि टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर आपको करेक्टली पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल आज की गोल्ड ही देखिए, कंटिन्यू मार्केट की 3 दिनों से मार्केट बाई में ही जा रही है। इसमें बीच बीच में मार्केट थोड़ा सपोर्ट तोड़ने के लिए कोशिश किया था पर प्रॉपर वहाँ से ब्रेकआउट मिला नहीं है, सीधा मार्केट अगेन रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर ही जा रहा है। आज भी सेम मार्केट में ज़्यादा मोमेंट नहीं है, फिर भी हमने यानी कि पुल बैक के बाद हमने यानी कि यहाँ पे 1280 में जो सपोर्ट टच किया, टच करके ऊपर जा रहा था, तो वहाँ से ब्रेकआउट लोग ने हमने 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल किया। सूझबूझ से एंट्री लूँगी तो कहाँ तक मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, पकड़ पाना टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर की तरफ करेक्टली आपको मिलेगा। ओके, कैसे वर्कआउट करते हैं स्ट्रैटेजी, आपको लाइन में जानना है तो भले कोई भी मार्केट हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, तो हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर सपोर्ट करते हैं। ओके, फ्री लाइव डेमो के लिए कॉल कीजिएगा, हमारा वेबसाइट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेली लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे आप वॉच कीजिए, मैंने सबसे पहले आपको अपोलो टायर की आज की परफॉर्मेंस दिखाती है, उसके बाद में आपको MCX की गोल्ड, डॉक्टर डी है और फॉरेक्स की गोल्ड भी है। तो यहाँ पे देखिए लाइव रेट, यहाँ पे आपको जो कुछ भी अगर ट्रेडिंग करते हो यानी कोई भी मार्केट हो, आपको लाइव रेट यहाँ पे दिखेगा। इसमें रेड कलर सेल की सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा है, ग्रीन कलर बाय है। सेल सिग्नल दिया है तो सबसे पहले कन्फर्मेशन, कोई भी सिग्नल दिया है सीधा एंट्री लेना ऐसा नहीं है, कन्फर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कैंडल कलर वो रेड में बन गया तो सीधा नीचे कन्फर्मेशन बार भी रेड बनना जरूरी है, फिर प्राइस इन सेल्स होना, अगर तीनों ओके है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग डेट को एंट्री ले लेना। तो यहाँ पे सिग्नल तो कन्फर्म्ड है, ब्रेकआउट भी दिया, सीधा नीचे तक आए थे, उसके बाद बाय दिया है, बाय 12:05 के अंदर दिया है, उसका एंट्री पॉइंट है, टारगेट भी दिया है और तीनों टारगेट भी अच्छी हुआ था। यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करके सीधा मार्केट ऊपर गए थे तो हमने यहाँ से भी पोजीशन अप्रोक्सीमेट 528 में लिया है तो 537 तक गए थे, काफ़ी बढ़िया बाय हासिल किया है। उसके अलावा डॉक्टर डी में भी देखिए, मॉर्निंग में सिग्नल और ब्रेकआउट दोनों साथ में दिए थे, जल्दी सिग्नल कंफर्म भी हुए थे, ब्रेकआउट भी देकर सीधा मार्केट ऊपर तक गए थे, सेल भी यहाँ से कन्फर्मेशन बनी थी 6377 से लेकर नीचे 6322 तक गए थे, यानी कि तीनों टारगेट अचीव किया था, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल किया है। बाय है तो भी सेल है तो भी दोनों तरीके से हमें प्रॉफिट हासिल किया है। तो इसमें MCX की मार्केट भी देखिए, तो अब आज मार्केट यानी कि कल की कंटिन्यूएशन जा रहे हैं, कल की कंटिन्यूएशन जा रहे हैं तो कितना तक होल्ड रखना कैसे मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट जब मार्केट देगा उसके बाद सीधा ब्रेकआउट नीचे की तरफ मोड़ेगा तो कितना तक होल्ड रखना है मालूम नहीं, कहाँ से एक्सिट पॉइंट पकड़ना है वो भी मालूम नहीं है। सिग्नल अगर नया सिग्नल दे रही है तो आपको कंफर्मेशन करके एंट्री ले सकते हैं, वहाँ से तीनों टारगेट अगर जल्दी कंफर्म हो रहा है तीनों हिट होने का चांस है, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड तो ये जल्दी कंफर्म हो गए थे, तीनों टारगेट हिट किया है सीधा ऊपर गए थे, उसके बाद पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन मार्केट सेम आज गए थे, ज़्यादा कंटिन्यूएशन मार्केट दे रही हो तो ज़्यादा लंबा टारगेट के लिए ट्राई ना करें। तो यहाँ से मार्केट देखें, यहाँ से ब्रेकआउट देकर यहाँ तक आके आने के बाद मार्केट अभी भी बाई दे रही है पर सेल की सिग्नल दिया है पर कंफर्मेशन नहीं, अभी चाहिए तो अभी आपको एक्सिट का पोर्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर रिवर्स जा रही है तो सिग्नल यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ कैंडल की कलर है वो चेंजेस आएगा, चेंजेस में आकर यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर में बदलेगा तो वहाँ पे आपको वो पोजीशन एक्सिट कर सकते हो। अगर नहीं है तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा पुल बैक की यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखेगा, उसके उसी पॉइंट में एक्सिट करना है तो भी पॉसिबल है। ओके, काफ़ी इसी से समझ में आएगा, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं चाहिए, सेम आपको गोल्ड भी फॉरेक्स की। तो इसमें टाइम फ्रेम रखना थोड़ा अलग है, फॉरेक्स में 30 मिनट्स रखना है और कमोडिटी मार्केट में 15 रखना है और इक्विटी मार्केट में 5 मिनट्स, ऐसे टाइम फ्रेम फॉलो कीजिएगा इंट्राडे में। तो इसमें आज की गोल्ड में देखिए, तो मैंने जैसे बताया था कल की कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ से पुल बैक आने के बाद 80 में हमने पकड़े थे, वहाँ से 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल किया, पर अभी मार्केट थोड़ा सा रेसिस्टेंस ब्रेक करने में टाइम ले रहा है बहुत,
तो ब्रेकआउट जब अगर आपको ज़्यादा लंबा टारगेट के लिए टाइम नहीं करना है, यहाँ पे पोजीशन कट करके दोबारा फिर से ब्रेकआउट होगा तो वहाँ से एंट्री लेने का, तो आपके प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस 87 का रेसिस्टेंस दिया है, ये ब्रेक करेगा ही दोबारा मो पर जाएगा। मार्केट में वॉल्यूम नहीं दे रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो ज़्यादा आप लंबा टारगेट के लिए टाइम ना करें, शॉर्ट में एक्सिट कीजिए, वही बेटर है। ओके, किसी को डेमो चाहिए तो कैसे वर्कआउट करते हैं स्ट्रैटेजी आप लाइन में चेक करना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए मेरे नंबर पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा है, वेबसाइट, सारा जानकारी। ओके, थैंक यू।